ना ना मुझे ला मुझे जस्टिस अयूब साहब जो हैं हमारे पेशावर हाई कोर्ट के मुअज्जज़ जज साहब आज सुबह 8 और 8:10 के बीच में जब घर से निकले हैं फेज़ 5 में इनकी रेजिडेंस है तो दो नामालूम मोटरसाइकिलिस्ट मोटरसाइकिल दूर खड़ी थी दो नामालूम मोटरसाइकिलिस्ट ने उन पे उनकी गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग की है जिसके नतीजे में कंडीशन जो है अभी इज़ वेरी स्टेबल खतरे से बाहर है उनकी हालत वी टेकिंग गुड केयर ऑफ हिम और गोलियों का जो है आई थिंक दैट्स वो इशू हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते आपको क्योंकि वो अफसोसनाक हुआ क्या हुआ है और जस्टिस अयूब साहब पर जो फायरिंग हुई है हयात आबाद में हम इसको कंडेम करते हैं और अच्छा वक्त उन्होंने गुजारा है बल्कि वो जो लोअर जुडिशरी थे यहाँ तक पहुँचे तो ऐसा सच हम ये भी नहीं समझते कि उनका कोई ख़ानदानी इस किस्म की कोई दुश्मनी हो लेकिन हम ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है इसको मद्देनजर रख और सख्त मैयर लीजिए इस वाक़े पे जजिस को निशाना बनाया गया है क्या कहेंगे इसको तो हम शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और ये एक हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे और इंडिया के दरमियान जो टेंशन चल रही है उसमें इंडिया की यानी जो अफगानिस्तान के साथ सरहदात है और अफगानिस्तान में इंडिया की बहुत ज़्यादा अमल दखल है तो उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते और हो सकता है कि उन लोगों ने ये इस तरह इरादा किया हो और ये मजमूम हरकत उन्होंने की हो तो इस दिन जो है ना बड़े एक अफसोस का दिन है उसका रीज़न ये है कि जब हमारे इस मुल्क में इदारे मजबूत हैं सब कुछ मजबूत हैं और जुडिशरी के एक आला अदालत के एक जज साहब को इस तरह कातिलाना हमले का निशाना बनाया जाता है तो मैं अपने इदारों से अपने गवर्नमेंट फंक्शनरी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इस मुल्क में हमारे जजेस साहिबान महफूज नहीं है तो एक ऑर्डनरी इंसान कैसे इस मुल्क में महफूज रह सकता है कि जब...